17 नवंबर को सभी नागरिक बढ़ चढ़कर मतदान करें, इसके लिए प्रशासन खास प्रयास कर रहा है। वोटिंग टर्नआउट को बढ़ाने के लिए पहले पोहा जलेबी के ऐलान के बाद अब एक नया प्रयोग किया जा रहा है। दरअसल इंदौर में नगर निगम की तरफ से एक और स्कीम लागू कर दी गई है। जो भी 12 बजे से पहले वोट डालेगा उसको चिड़ियाघर में फ्री एंट्री मिलेगी। जी हाँ, तो चलिए आपको इस वीडियो में इस नए और अनोखे स्कीम के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आपका स्वागत है, मैं आपके साथ कुनाल। इंदौर नगर निगम द्वारा एक अनूठी और रोचक पहल की शुरुआत की जा रही है। पहल के तहत इंदौर चिड़ियाघर में आने वाले उन सभी दर्शकों को फ्री एंट्री दी जाएगी जो कि दोपहर 12 बजे के पहले अपने मत का प्रयोग करके जू में पहुंचेंगे। मतदाता को अपने उंगली पर लगी हुई स्याही का निशान जू के गेट पर दिखाना होगा और वो फिर आसानी से बिना टिकट लिए जू में घूम सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये सूबे में इस प्रकार का पहला और अनोखा पहल है। वहीं चिड़ियाघर प्रभारी उत्तम यादव का कहना है कि निगम द्वारा ये अनूठी पहल शुरू की जा रही है जिसमें मतदान करके पहुंचने वालों को जू में टिकट नहीं लेना होगा। वो सिर्फ अपनी उंगली पर लगी हुई मतदान केंद्र की स्याही दिखाकर जू में एंट्री पा सकेंगे। निगम द्वारा स्वच्छता में देश भर में 6 बार पहले पायदान आने के बाद अब मतदान में भी पहले पायदान पर आने के लिए ये नई पहल की शुरुआत की जा रही है जिससे कि मतदाता लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। आपको बता दें कि इंदौर में 9 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 27,62,503 मतदाता हैं और इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा जिले में मतदान के लिए 2,486 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं इस विधानसभा में सबसे कम मतदाता वाला केंद्र महू और सावेर तथा इंदौर 5 में स्थित है जहां सिर्फ 300 मतदाता ही वोट डालेंगे। खैर, अब सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता 17 नवंबर को करेगी जिसका नतीजा 3 दिसंबर को हम सबके सामने होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।